स्टूडेंट सेनेटर चैतन्य सेठी। भाई ये तो अपना गब्बर ही है, और इतना बड़ा मेल कौन पड़ेगा। चलो उसी के से जाके पूछ लेते हैं। ओ चेटी सेनेटर, ये मेल मेल क्या है भाई? अभी आया अयान भाई तूने मेल देखा ये? हाँ अभी आया ना वही। हाँ भाई 60% 40% अटेंडेंस फिर से मैं कर दिया यार। वो चल गया सेनेटर, वो सब बहुत करता है। पाजी से भी पूछ ले, पाजी से भी पूछ ले। हाँ पाजी से भी पूछ ले। भाई मेरा सेकंड रैंक पे बी आया था, उसका तो कुछ नहीं दिया मेल पे। पता नहीं भाई, चलो जाके ये सेनेटर साहब से बात करते हैं। सही पता होगा। चेटी सेनेटर कभी कभी तो कुमार मंगलम बिरला जी भी आ सकते हैं उसमें। करंटली क्वांट माइनर पे पर्टिकुलरली प्रोग्रेस है, बट आई कैन मे बी डू समथिंग फॉर विच माई जूनियर्स एंड मे बी जनरेशन टू कम इन ब्रिट्स कैन एक्चुअली डू बेटर फ्रॉम। बाकी थोड़ा बहुत लोग कह देते हैं हमारी डिग्री पास करा दो, ये करा दो, इतनी पावर नहीं होती है भाई लोग। इवन इफ यू फील अ बिट कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट कम्युनिटी, आई वुड से दैट इन पार्ट यू आर ऑल्सो अ सेनेटर। तो चलो यार फॉर्मल्स में तो आ गए हैं, अयान भी थोड़ा बहुत, मैं भी। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सेनेट। सो जो सेनेट है दैट्स द हाईएस्ट यूनिवर्सिटी बॉडी स्पैनिंग अक्रॉस ऑल द कैंपसेस। तो चारों कैंपसेस के सारे मेजर एचओडीज, सारे डीन्स, सारे डायरेक्टर्स एज वेल एज द इंस्टीट्यूट वाइस चांसलर इन्वॉल्व्ड है, बट ओनली वन स्टूडेंट मेंबर फ्रॉम ईच कैंपस। तो टेक्निकली फोर स्टूडेंट्स, एंड देयर इज ओनली वन स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय द वाइस चांसलर। सो इट्स अ बिग डील। इट इज एज हाई अ मीटिंग कि कभी कभी तो कुमार मंगलम बिरला जी भी आ सकते हैं उसमें। सो इट्स अ वेरी बिग डील। एंड द एसेंशियल पर्पस ऑफ द सेनेट इज टू डिटर्मिन बिट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू, जैसे बिट्स का लॉ स्कूल खुला, बिट्स का मैनेजर वाला स्कूल खुला मैनेजमेंट का, तो इन तीनों स्कूल्स में बिट्स ने कब डिसाइड करा, कैसे डिसाइड करा, ऐसे ऐसे लेवल ऑफ डिसीजंस बिट्स के सेनेट मीटिंग में होते हैं, राइट? एंड दिस ऑल्सो गोज डाउन टू आपकी अकेडमिक पॉलिसी, जो बच्चे सारा दिन रोते हैं पढ़ाई के बारे में, कुछ और बारे में, आप भी रोते हैं हम भी रोते हैं, तो वो सारी चीज़ें, कोई भी पढ़ाई का मुद्दा हो, कुछ और हो, कोई भी डिसिप्लिन का मुद्दा हो, कोई भी एग्जाम का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे सेनेट में एट अ हाई लेवल उठाए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया सेनेट क्या करता है, सेनेटर का क्या रोल होता है। दो चीज जो मुझे थोड़े स्ट्राइक आउट करी जिसमें आपने बोला, वो थी एक जो अभी रिसेंट रूमर आई थी अटेंडेंस की कि 0% 60% हो जाएगा। हाँ। तो वो एक पॉइंट थोड़ा सा डरावना था, वो होना नहीं चाहिए। पर ऑल्सो माइनर, अभी बहुत ये ट्रेंड में चल रहा है कि माइनर इन क्वांट इंट्रोड्यूस होने वाला है वो सब, तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है कि माइनर लॉन्च करने का वो सब, तो वो बताइए सेनेट का क्या रोल होता है उसमें, बात करते हैं इस पे। तो ईआरपी पे एक पॉलिसी आई थी जो बिट्स दुबई के थ्रू हमारे कैंपसेस पे भी आ गई थी कि 60% अटेंडेंस होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, हमारे वीसी ने भी कंफर्म कर दिया ऐसा कुछ होगा नहीं, वो आईआईटीज का है। एंड बिट्स दुबई में 60% पॉलिसी इज अ नॉर्म बिकॉज ऑफ द लीगल गाइडलाइंस, बट इंडिया में वो पॉलिसी नहीं आ रही, सो देयर इज दैट। और दूसरी बात आती है आपकी माइनर की, तो अभी बहुत रिसेंटली बहुत सारे माइनर्स आए भी हैं एंड आते जा रहे हैं, एंड अभी रिसेंटली बी भी लॉन्च हुआ है। सो लेट्स गेट इनटू अ जनरल प्रोसेस कि कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कैसे होता है, कोई भी नया कोर्स कैसे आता है, कुछ भी नई पॉलिसी भी कैसे आती है। तो कोई भी नए कोर्स के लिए उस कोर्स के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बिट्स दुबई, गोवा, हैदराबाद और पिलानी, चारों कैंपसेस के एचओडी एंड फैकल्टी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल क्वांट के लिए इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑल दीज कैंपसेस विल बी इन्वॉल्व टू डेवलप दैट। करंटली क्वांट माइनर पे पर्टिकुलरली प्रोग्रेस है, आई कांट डिस्क्लोज कितना है, बट कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स टू डू दैट। और ऐसे ही कोई भी माइनर ऐसे ही डिसाइड होता है। रिसेंटली सेमीकंडक्टर्स पे एक माइनर आया था, उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वॉज इन्वॉल्व। एंड एक बार जब ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोलाबरेट कर लेते हैं, डिस्कस होता है, दिस गोज टू द एओजीएसडी डीन ऑफ आर ओन कैंपस डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह, हु ओवरलुक्स ऑल ऑफ दिस policies and takes this up in the Senate meetings. Senate meetings में एक और discussion होता है after the curriculum is formulated to get the approval of the directors and all other Senate members. And once the course is passed within the Senate, then it is approved to be offered in the next semester or even the next term. For example, this term में ही generative AI करके course आया है,
विच हैज बीन अ वेरी न्यू एडिशन टू पीपल. तो वो काफी नई चीज थी जो मेरे को थोड़ी पहले पता लग गई थी. तो एज अ सेनेटर मेरे को कुछ चीजें थोड़ी पहले पता लग जाती हैं, जैसे लॉ स्कूल आने वाला है या कोई और स्कूल आने वाला है. अच्छा, तो ये काफी डेवलपमेंट्स चल रही है मतलब बैक एंड पे, तो मतलब ठीक है. मुझे जो प्रोसेस होता है मतलब जैसे सेनेटर, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं एंड मतलब उसमें जो हम स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं इस सब प्रोसेस में, कि आगे क्या हो रहा है, क्या डेवलप करना है उसमें, तो उसमें क्या है इलैबोरेशन. तो जायज़ है मैं अकेला स्टूडेंट मेंबर बैठा हूँ इतनी फैकल्टी में, मैं सेनेट मीटिंग के अंदर तो उतना काम शायद ना कर पाऊँ. तो मेरा काम सेनेट मीटिंग के बाहर ज़्यादा चलता है रादर देन इनसाइड द सेनेट मीटिंग. एंड स्टूडेंट्स का भी रोल है जिसपे थोड़ा आते हैं. तो आउटसाइड द सेनेट मेरा काम है स्टूडेंट इशूज़ को लेना एंड कोरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स, डीन्स और बड़े लोगों के पास जाकर इसके बारे में बात करना. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अकेडमिक सेल के साथ वी मेट विद EUGHD डीन डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह एंड ही सेड स्टूडेंट फीडबैक इज की फॉर अस टू एक्चुअली बिल्ड बिट्स बैक टू इट्स ग्लोरी. करंटली देर हैज बीन सम लेवल ऑफ डिक्लाइन इन अकेडमिक्स एंड इन अदर पॉलिसीज एज वेल. एंड डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह ऑल्सो बिलीव दैट दिस कैन बी कम फुलफिल्ड विद us giving feedback and us getting back to the structure we had before the COVID pandemic. And there is a lot of development to be done. Recently, मैंने भी खुद से feedback forms float करे हैं across all batches and I would encourage them to fill. मैं चाहता हूँ students भरे and मेरे को issues बताए. I'm looking forward to take them to the director. I think 2024 में curriculum revision भी हो रहा है, which is a very big thing to look forward to. And I would encourage to fill that form and I'll also be engaging with the director to bring out your feedback to them. तो ये थोड़ा मैंने प्रमोशन कर दिया अयान जैसा करता है, बट आई वुड से ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स का रोल बहुत मायने रखता है. तो ओके, मतलब सेनेटर रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टूडेंट्स, माय गॉड, मतलब ये काफी पर्पसफुल चीज लगती है एंड मतलब नो डाउट कि इतना कमिटमेंट वो सब भी रहता है. तो ये इतना डिफिकल्ट हो जाते हैं, मतलब आई नो यू आर अ स्टूडेंट जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस और आपको ऐसे ऐसे सभी स्टूडेंट्स की लेनी फीडबैक वो सब एंड रिपोर्ट करना, तो हाउ डू यू मैनेज इट, लाइक हाउ हेक्टिक इज इट और हाउ वन डज इट बेटर. आई वुड से कि आई थिंक गेटिंग फीडबैक्स इज वन पार्ट, बट एक्चुअली टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एंड गेटिंग टू नो क्या इशूज हैं वो आई थिंक थोड़ा जरूरी है. सो मैं स्टूडेंट्स अकेडमिक सेल में था एंड ऐसी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में था जो इस तरफ काम कर रहे हैं, सो आई टेक असिस्टेंस फ्रॉम दीज सेल्स एज वेल. उसके सिवाय आई अप्रोच स्टूडेंट्स ऑन माई ओन एंड स्टूडेंट्स अप्रोच मी विद देयर प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ प्रॉब्लम विद सम थीसिस इशू, वो आई कॉन्ट डिस्क्लोज प्रॉपरली बट वो थोड़ा है कॉन्फिडेंशियल, बट तो स्टूडेंट्स खुद अप्रोच करके बताते हैं एंड आई वर्क पर्टिकुलरली विद स्टूडेंट्स फॉर सॉल्विंग दोज इशूज. एंड उसके सिवाय ज़्यादातर मिलना मिलाना, पता करना, पॉलिसीज के बारे में ध्यान रखना, ऑनलाइन मेल्स पे रिस्पॉन्ड करना, ये सब काफ़ी चलता रहता है. तो ये है, बट आई वुड से दिस इज नॉट समथिंग कि मैं कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हो गया, बट द सेनेट इज मोर ऑफ अ सर्विस टू द फ्यूचर स्टूडेंट बैचेस. फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी कर रहा हूँ वो शायद 2 साल में इम्प्लीमेंट हो, 3 साल में इम्प्लीमेंट हो या शायद अभी ही हो जाए, तो मेरे को तो बहुत इतना सा बेनिफिट मिलेगा बट आगे वालों को बहुत मिलेगा. तो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर राइट सेकंड ईयर राइट शुड लुक फॉरवर्ड टू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड यू नो गेटिंग इन्वॉल्व, क्योंकि दिस इज समथिंग इवन बियॉन्ड स्टूडेंट यूनियन. स्टूडेंट यूनियन इज पर्टिकुलर टू सम कैंपस और समथिंग, दिस इज अ बिट डिफरेंट, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव गोइंग इन टू एन एटमोसफियर विच इज इन्वॉल्व विद ऑल द कैंपसेस. तो वो चीज आई थिंक अलाउज you know someone to look in a more visionary sense ki hamara campus hamara bits kahan ja raha hai, and I think that unity is essential to actually build into what do we want as a institute and what do you think, agar aapko lagta hai ki hamare academic policy mein ye kharab hai, ye sahi hai, ye nahi hai, and aap sochte ho ki yaar inse acha to main hi padha leta, inse acha to main hi kar leta, to wo feedback hum lena chahte hain, karna chahte hain. And I'm not saying this from bits. मैं भी student ही हूँ, बस code डाला है अभी थोड़ा वो थोड़ा हट जाए तो मैं भी student ही हूँ. And I would say कि वो चीज़ आगे लाने के लिए आप लोगों के student feedbacks वो सब बहुत ज़रूरी है. And I tell this myself as a student too. तो सारे feedbacks भरना करना, although it is an effort, वो करना ज़रूरी है. Got it. And उसकी value हो रही है. And वही मतलब वही मैसेज रहेगा कि मैनेज तो हो जाता है अगर काम करने वाले साथ हो. एंड आई अलोन कांट डू एनीथिंग, अगर मेरे पास कोई फीडबैक नहीं, कोई इनपुट नहीं, कोई मेरा इंटरव्यू लेने वाला नहीं, तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता. एंड आई एम नॉट पब्लिसाइजिंग माई सेल्फ एज अ पॉलिटिशियन और समवेयर एज अ पर्सनल मोटिव. देयर इज नो पर्सनल मोटिव बिहाइंड दिस, देयर इज अ वेलफेयर मोटिव बिहाइंड दिस ओनली. तो सेनेट एज अ सर्विस टू द फ्यूचर, अब मतलब
ऐसा है कुछ है कि हम स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स? आई नो कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, बट वन मैसेज दैट स्टूडेंट्स कैन लुक फॉरवर्ड टू, इज इट कुछ? मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी का लेयर है ही, दूसरा इट डिपेंड्स कि सेनेट की मीटिंग कैसे जाती है, प्रपोजल कैसे बनता है, काम कैसे होता है. देयर इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस टू गेट एनीथिंग डन, क्योंकि चारों कैंपसेस की समिति चाहिए, सबका अग्रीमेंट चाहिए. अग्रीमेंट लेने में ही बहुत लगता है, बट आई वुड से कि सम चेंज तो है जो मैं लाना ही चाहता हूँ, एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ समथिंग विच कैन ग्रो फर्दर. So if I can reach out to you in your first or second or third year, who might be looking forward to contribute to this, I think you might have a better idea than me to take bits forward. For example, a policy, मतलब I can give an example from the past, जैसे कि एक time पे 2019 में जब COVID हुआ था, तो there was an issue of clear grade. तो clear grade लाने के लिए ये idea था SU का 2019 में, एंड SU ने अब प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करवा दिया, बट ये बाकी कैंपसेस तक कैसा जाएगा, कैसे जाएगा? तो वो सेनेट का काम था कि सेनेट के थ्रू ये चीज आगे लेकर जाएगी. तो ऐसे ऐसे कार्यों में काम हो सकता है, हो सकती है. तो हाँ, गॉट इट. तो सेनेटर, एंड मतलब आई नो कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ समवन इज लुकिंग अप टू अ सेनेटर, आई एम श्योर कि उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि How does one become a senator? हाँ, तो उसको अगर आप कुछ शॉर्ट में बता सको कि what's the process like? Yeah, so process it's not very political. First of all, अगर आपको लग रहा है कि senate के लिए political चाहिए, नहीं, इतना political नहीं है. तो essentially, I believe the biggest thing is to have a will to serve and a structured and clear logical thinking mind, and also the ability to deal with people, deal with challenges, deal with rejections. एक पार्ट जो मैंने नहीं बताया, विच वॉज रिजेक्शन. कभी कभी टीचर आपको बोलेंगे हमें नहीं होना है इन्वॉल्व, हमें बात ही नहीं करनी है आपसे, एंड ये चीज सामने आ जाती है कभी कभी. बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिवोटेड, एंड प्रोसेस तो एसेंशियली यू हैव सम इंटरव्यू, सम GDs, एज वेल एज सम अदर वोटिंग एंड नॉमिनेशन बेस्ड क्राइटेरिया, एंड उसके लिए भी आई विल कॉल आउट थर्ड ईयर टू अप्लाई सून. बट बिफोर दैट, जस्ट बिल्डिंग एन एटीट्यूड टू गिव बैक to the BITS community, which has served you well and educated you well. I think wo kaafi important hai karna. All right. Achha, to being a senator with all these responsibilities and duties, but what's the reward right now? Like, aapke liye sabse zyada rewarding cheez kya lagti hai? To, I think ek to hai ki getting an exposure to sitting in a community, sitting with people who are much, much older than you and much, much more experienced than you. Senate mein director kuch lead kar raha hai. There's an entire atmosphere of a Senate. And there's an new atmosphere of decorum and discipline which has to be followed within the Senate. Got it. And obviously, telepresence room mein baithna kisi bhi campus ke ek acha experience rehta hi hai with all the professors. And I think wo ek experience to personally mere liye raha hi hai. And second is to be approachable and see students kind of say ki haan, ye hamara senator hai and he is taking our goals forward and he can do something for us, he can fight for us maybe in some sense. So I think wo cheeze sunke thodi responsibility aati hai and acha lagta hai, even if you make small changes, kyunki senate ko thoda sa hilana karna to difficult rehta hi hai, but even if I can make a little nudge or do something here and there, getting some appreciation on that I think is very much rewarding. And हाँ, आई थिंक इतना ही है मेन. तो बाकी थोड़ा बहुत लोग कह देते हैं हमारी डिग्री पास करा दो, ये करा दो, इतनी पावर नहीं होती है भाई लोग, थोड़ा काम डाउन. तो यही है. थैंक्स अ लॉट सेनेटर साहब. और कुछ आपको एंड में कहना हो जो आवर ऑडियंस कैन टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ सेनेटर? आई वुड से मतलब ये तो मोर ऑफ अवेयरनेस एंड थोड़ा मीटिंग यू गाइस था एक सेंस में, बट द मैसेज आई वुड लाइक टू मेजरली कन्वे इज दैट आई फील अकेडमिक्स, इवन academics में if you are involved or not involved, being a student में if you are involved or not involved, if you feel कि हाँ BITS college जा रहा है या फिर I'm fully involved, just take a moment to think what the BITS community has given you, what you are provided with here and how you can give back, so that maybe 10 years down the line or 15 years down the line, even if one of your suggestions could be implemented to build something which can be beneficial, I think that would be an amazing takeaway from this video that you can take and maybe implement. कि हाँ यार, आज students के लिए मैं कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी as a student थोड़ा तो perish कर रहा हूँ, but I can maybe do something for which my juniors and maybe generations to come in BITS can actually do better from. And I think contributing to that, even in a little sense, makes you some form of senator.
got it. I think that's the feeling. Haan. If you just improve that feeling, haan, kind of that makes you maybe haan fully devoted to this. Even if you feel a bit concerned about the student community, haan. Haan. I would say that in part you are also a senator. So my God, that's ये काफी impactful words बोल दिए. So but thanks a lot senator sahab, and I hope ki ye video se thodi awareness spread ho what Bits Academic is. Google form bhar dena please. Okay chalo to ye call to action aap sab ke liye, but hope you liked this video. I found it informative. This is where Bits is heading to, senator sahab, and I'm glad ki I get this opportunity to spread the message. So yeah, thank you so much, and thank you, bye bye. Bye, see you, gabbar. Chalo chalo, bye bye bye.